राम राम भाई, राम राम भाई, काफी सही कर रहे हैं ये। सो ये हिंदी टॉयलेट है। ओ भाई साहब, मेरा सपना है ऐसे रील बना। बाथरूम एक ही जाए बैठना, तुम्हें ऐसे ही पड़ेगा। नहीं वहाँ इंग्लिश, इंग्लिश वाला है वहाँ पे, फिर ऐसे बैठना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, एक और नए फ्रेश व्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज है संडे एंड अभी बज रहे हैं 7:20। आज मैं जल्दी कैसे उठ गया, आप लोग भी सोच के हैरान हो गए होगे कि यार ये 10 बजे उठने वाला बंदा भाई 7 बजे उठ के कर क्या रहा है, कुछ तो लोचा है। देखो भाई, लोचा लोचा कुछ नहीं है, उठ तो मैं 4 बजे ही गया था एक्चुअली। भैया एक ना ट्रिप पे गया हुआ है, ठीक है। भैया ने मुझे भी कहा था चलने के लो, चलने के लिए कर लो, क्या होता है। देखो भाई, मैं तो ट्रिप पे गया नहीं, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भैया को मैंने बोल दिया शूट करके ले आएगा, अपने चैनल पर डालेंगे, जो भी शूट करेगा वो बढ़िया ही शूट करेगा, मैंने बोल दिया उसे। तुम्हारे भाई का चेहरा चमक रहा ना, तुम्हारे भाई ने फेस वॉश करा आज बहुत दिनों बाद, कसम से ठंडक सी लग रही है मुंह पे। एंड सुबह सुबह ही मैंने खाने पीने का सब इंतजाम कर लिया। वैसे मेरा मन तो था आज पास्ता बनाने का, बट लेकिन लुक मैंने क्या बनाया, आटा, ठीक है, ये खाने ये बनाऊंगा भाई, ठीक है ना। मेन आइटम यहाँ पे है, बताओ, गैस करो, गैस करो, खोलने से पहले गैस करो इसके अंदर क्या है, ठीक है। जो बंदा गैस करेगा 2 रुपए मिलेंगे उसे। ये देखो भाई, टन टन, आलू पराठा बनाने वाला भाई आज, कसम से। इसकी जो स्मेल है ना, मजा सा आ गया भाई, नशा आ गया आलू पराठे का, ठीक है। मेरे को भाई भूख लग रही है, कति बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो फटाफट चाय और पराठा बना लेता सुबह सुबह, ठीक है। अब कितने बज गए, वैसे 7:30 हो चुके हैं, तो फटाफट भूख के मारे भाई पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, फटाफट भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। एक्चुअली क्या, किचन में थोड़ी सी ना जगह कम पड़ जाती है ना, तो यहाँ पे रख लेता हूँ फिर मैं आटे को, ठीक है। वैसे बताने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, पर मेरा मन कर रहा था आपको बताने का। एंड इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया आटे के ऊपर, ताकि थोड़ा सा ना चिकना हो जाए। यहाँ पे अपनी चाय रेडी हो रही है, बाकी पराठे रेडी है, तो अभी अंदर जाके दिखाऊंगा। फटाफट चाय निकाल लेता हूँ मैं, फिर मिलता है आपको। तो फाइनली आर ब्रेकफास्ट इज रेडी, चाय के साथ टमाटो सॉस, ठीक, मतलब इसके साथ ये नहीं खाने वाला, ये इसके साथ खाने वाला। ऊपर आलू का पराठा बन गया भाई, देख लो, स्टफिंग एक नंबर कर रही है तुम्हारे भाई ने। भाई थोड़ा सी गोल नहीं बनी, वो इग्नोर मारना, फट रहे थे, ठीक है। जैसा ही बना बना लिया, अभी कितने बज चुके देख लो, ये तुम्हारे बज गया, 8 बनने में 5 मिनट बाकी है। और पापा को ऑफिस भी जाना है, तो वैसे प्लान तो पास्ता बनाने का, जैसे कि आपको बताया था पास्ता बनाने का प्लान था मेरा, बट लेकिन मैं सोचा आलू पराठा बनाते हैं। पापा को भी ऑफिस जाना है, तो पापा जब नीचे आएंगे तो पापा के लिए बना दूंगा, तो फटाफट इसको खाते हैं। एंड भाभी को थोड़ा चढ़ाते, क्योंकि भाभी तो ट्रिप पे गई है भैया के साथ, तो भाभी को एक फोटो भेजते फटाफट, ठीक है। एंड मजे से इसको खाते हैं, सिनेमैटिक नहीं दिखा रहा, खाऊंगा उसी दम में, ठीक है। ऑसम बना भाई, सच बता रहा हूँ आप लोग, कसम से भाई मजा आ गया, एक नंबर भाई, कोई भी खाएगा ना मजा आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट खा ले। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आराम से सो गया था, फिर पापा ऑफिस जाने लगे थे, तो मैंने बोला पापा रुक जाओ, पराठे खा के जाओ। पराठे दिए फिर पापा को, फिर मेडिटेशन छोड़ के आया, फिर दोबारा मैं पसर गया था, लेट गया था, ठीक है। वैसे ना थकावट सी लग रही है आज मेरी बॉडी, पता नहीं क्यों, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी चलते हेयर कट करवाने, क्योंकि हेयर्स मेरे बहुत ज़्यादा उलझे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं महीने या 2 महीने या 3 महीने में एक बार ही कभी हेयर कट करवाता हूँ, पहले बट चलते हैं तो हेयर कट करवाते हैं। एंड थोड़ा नहीं कराएंगे, सारा ही हेयर कट करवाएंगे, ठीक है। थोड़ा हेयर कट करवा के करेंगे क्या अपन, क्यों, चलो भाई इस चेहरे को एक नया लुक देते हैं, ठीक है, चलो चलते हैं। सबसे बड़ी बात, हेयर कट करवाने तो जा रहा हूँ, पर घर में पानी नहीं है, एक बूंद तक नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ। ये किल्लत बड़ी हो रही है हमारे यहाँ पर पानी की, देखो पानी ही नहीं है, देख रहे हो, बहुत किल्लत हो रही है। पता नहीं यहाँ इसी इलाके में क्यों किल्लत होती है, जब भी गर्मी आती है ना, ठीक है, पानी की किल्लत स्टार्ट हो जाती है हमारे इलाके में। मतलब ये सोच रहा हूँ कि जो भी ये मकान खरीदेगा उसका हाल क्या होने वाला है, मैं सो इमेजिन कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे पहली बात नहीं, क्योंकि इस वाले इन मकानों में ना बोरिंग है, ठीक है, जो बोरिंग का कनेक्शन होता है ना, तो वो है इस मकान में। हम
सो फाइनली भाई नहा धो के रेडी हो गया है एंड कुछ ऐसे मेरा हेयर कट हुआ है, सही बता रहा हूँ, बहुत ऑसम हेयर कट लगा है। पिछली बारी ऐसे हेयर कट करवाया था मैंने सेम, तो फेड जो लुक थे ना, ये वाली जो लुक है, ये वाली लुक आप करवा सकते हो। ये न्यू तो नहीं कहूँगा, मेरे लिए न्यू है ये। पिछली बारी इससे थोड़ी सी डिफरेंट हुई थी, इस बारी डिफरेंट हुई है, ऐसा कोई लुक है, ठीक है, आप देख सकते हो। फटाफट इस पर हेयर ड्राई मारते हैं, और बीच के वाले उसने छोटे नहीं करे, उसको बोला था भाई मिडल हेयर थोड़ा सा मतलब मिड लेंथ कर दियो, बट उसने करे नहीं, इतना रहने दिए। जो अगली बारी ना मैं सोच रहा हूँ कि पूरे छोटे करा लूँगा। अगली सो हेयर ड्राई के बाद कुछ ऐसा लुक आ रहा है, ठीक है, तो जल की प्राप्ति हमें हो चुकी है, अब बस टैंकी भरने की बात है। फिर तो दबा के भाई क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, हम तो पहले से नहा धो के रेडी हो चुके हैं, ब्रश ब्रुश भी कर लिया, लेकिन अब एक बड़ा काम बाकी है, दोपहर का खाना बनाना, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ फिर से आलू के पराठे बनाऊँ, क्योंकि वही एक चारा है, और थोड़ी सी चाय बना लूँगा, ठीक है ना। तो भाई एक बात हमेशा याद रखना, जितने मर्जी बड़े हो जाओ तुम, शादी हो जाए तुम्हारी, चाहे बच्चे हो जाए, ठीक है, एक काम ना आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा वो काम, और वो है ये पानी भरना, कभी भी नहीं छोड़ेगा ये काम पीछा भरना, समझ रहे। सो ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैंने सोचा बाइक धुलवा लेता हूँ, क्योंकि आपको पता सर्विस वगैरह कराई थी, तो फिर मैंने निखिल को कॉल करा, तो निखिल तो घर पे था, तो मैंने बोला भाई तू आ जा फटाफट, तो बल्लू पे खड़ा हूँ, देखता हूँ कब तक आएगा। मैंने उसको बुलाया था वेद पे, पर वेद वाले के पास टाइम नहीं है बाइक धोने के लिए, अभी एक से डेढ़ घंटा लगेगा, उस पर भी ज़्यादा ही लग जाएगा, 2-3 घंटे बता रहे, एक डेढ़ घंटा क्या। तो अब निखिल पता नहीं कब तक आएगा, उसको कॉल कर रहा हूँ, कॉल भी नहीं उठा रहा मेरे को, तो अभी कब से पीने चलेंगे, निखिल आएगा तो बाकी देखते हैं। तो दोस्तों मैं बस सोने ही लग रहा था, भैया को कॉल आया, पार्सल आ रखा था, इसके अंदर शूज़ हैं, तो कैसे शूज़ है वो देखते हैं, भैया ने सरप्राइज़ दिया मेरे को, मजाक करो भैया, मेरे को पहले से पता था भैया ने ऑर्डर करा है, तो देखते हैं कैसा आ गया। सो भाई ये कुछ शूज़ मंगाए थे भैया ने, भैया को अच्छे लग रहे होंगे तो भैया ने मंगा लिए ये, तो काफ़ी प्यारा है, अब इसको पहन के देखो इसको कैसा लग रहा हूँ, पहन के देखता हूँ, चलो। तो भाई पहन नहीं रहा मैं, क्योंकि सालों ने 7 नंबर भेज दिया मेरे को, तो भाई 8 या 9 नंबर आता मेरे को, 8 नंबर आता मतलब, तो मतलब मेरे को तो आ नहीं रहे, तो रिटर्न पे जाएगा भैया, भैया को आने दो, रिटर्न करवाते हैं। तो दोस्तों शाम के बच्चों के 6-7 एंड अभी तुम्हारा भाई पी रहा चाय विद बहुत सारा प्यार इसके अंदर, ओए होए सौरभ आजकल बड़ा हो रहा है। दोस्तों ये देखो टी शर्ट, देखो ये वाली कितनी प्यारी लग रही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ राष्ट्रपति भवन, ठीक है, एंड आपको मैं एक हाउस टूर करवाऊंगा राष्ट्रपति भवन जाके, ठीक है, तो चलो चलते हैं फटाफट पहुँचते हैं, क्योंकि लेट पहुँचा हो गया। सो फाइनली जहाँ पे मुझे आना था मैं आ चुका हूँ, एंड ये गवर्नमेंट क्वार्टर है, ठीक है, एंड ये हमारी भाभी अपनी वीडियो बनाई है जहाँ पे आप गए थे, तो ये यहाँ पे आए हम लोग, देख लो पहली, ठीक है, तो अभी छत पे जा रहा हूँ, ठीक है, आपको हाउस दिखाने से पहले छत पे ले जा रहा हूँ, ठीक है। ओ भाई साहब चमक गया हूँ, देखा ना ये ना जो 7 नंबर है उनके, हमारे जो 8 नंबर वाले ना वो थोड़े से ना, अच्छा हर में, अच्छा दो ही, तो ऐसा कुछ छत है, अच्छा जो इसका सेकंड फ्लोर है ना उसकी छत है, ये सोलर एनर्जी है ना, सोलर पैनल्स बोलते हैं ना, आई थिंक इसे सोलर पैनल्स बोलता है, आई थिंक इसे तो पैनल्स, सोलर पैनल्स, पैनल्स ही बोला मैंने, आपने पैनल्स नहीं बोला, नहीं भाई भाई हमारे पास सबूत है, वीडियो ठीक है देख लेंगे, ठीक है अभी दिखाऊंगा, और क्या देगा, क्या दे सकते हो, पप्पी दे दी पप्पी, तो ये ऐसा है अभी हाउस टूर, हाउस भाई इतना बड़ा घर लेके रहूंगा मैं, फिक्स, अब अपनी छत पे चलते हैं, कुंडी लगा दे, ये दूसरों की छत, अच्छा दिखाना चाहिए, हम पहले दूसरों की छत दिखा रहे थे भाई, ऐसी वीडियो है, हाँ ये वाली हमारी छत है, सही नहीं है, नहीं थोड़ा वो ये गीला कैसे हो गया, टंकी भरी होगी ना पानी, वो तो सही चीज है, ये हम घर के अंदर एंटर हो रहे हैं, ठीक है, क्या हो गया इसको, तो ये ड्राइंग रूम है, एक बेडरूम, दो बेडरूम, और ये किचन, और ये बाथरूम, मस्त लग रहा है, तो ये हमारे पापा भाई,
राम राम भाई काफी सही कर रहे हैं। ये ड्राइंग रूम कहते क्या कहते हैं? ये ड्राइंग रूम है ना, ड्राइंग हॉल कह लो, ड्राइंग रूम कहते एक ही बात है। स्टोर रूम, स्टोर रूम ही है ना। ये बेल्कनी और स्टोर रूम के साथ साथ इसमें सामान भी रख सकते हो, बेल्कनी भी यही है। सही है भाई, यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेल सकते हो आप लोग। सही है, हेलो। तो ये अपनी भाभी है, ये हमें पार्टी दे रही है। भाभी ने पूरे 6 करोड़ का कर लिया है। भैया का योगदान 4 का था। भाभी बाथरूम में? अच्छा ये बाथरूम है, दोनों रूम में बाथरूम है भाई, कसम से। सो ये हिंदी टॉयलेट है। ओ भाई साहब मेरा सपना है, ऐसे रील बनाऊंगा। सो भाई सो ये अपना हाउस टूर था। अगर हाउस रूम में वो दिखा नहीं रहा, बाथरूम एक ही जाए, बैठना तुम्हें ऐसे ही पड़ेगा। नहीं अच्छा इंग्लिश वाला है वहाँ पे, फिर ऐसे बैठना पड़ेगा। तो मिलता आपको थोड़ी देर में। सही, हमारी बृष्टि रानी है। नमस्ते कर दो, नमस्ते। जैन कर दो, जैन जैन कर दो, जैन करो, बोलिए मैडम। ये हमारी क्यूटी पाई, ये भी हमारी क्यूटी पाई। जैन कर दो। तो जब से मैं आया हूँ खाना पीना तो मेरा हो चुका है, ठीक है। ओ बजा दिया भाई, इधर बैठो भाई। क्यों